समाजवादी पार्टी के गढ़ कचहरी में गर्जे सीएम योगी अखिलेश यादव के पीडीए को बताया प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एन अपराधी का इनके राज में यूपी में दंगे होते थे इन्हें फिर से मौका देने की जरूरत नहीं। यूपी के कचहरी में बोले सीएम योगी ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी मुंबई के गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र फडणवीस पीयूष गोयल समेत कई नेता रहे मौजूद। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह बोले ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र ये आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर भी साधा निशाना बोले एमबीए की योजनाएं तुष्टिकरण वाली अघाड़ी के आंतरिक मतभेद जग जा है। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला बोले वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोलकर दिखाए राहुल उन्होंने संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी किया अपमान। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती है हिमाचल तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस ने पूरे नहीं किए वादे। शाह बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। शाह ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा बोले उद्धव 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ शरद पवार को लेकर बोले पवार बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये पूर्ण विकास का संकल्प पत्र ये विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। फडणवीस बोले बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हम जो कहते हैं वो भी पूरा करते हैं। किसानों को लेकर बोले फडणवीस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ 25 लाख नई नौकरियां भी देंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हिमंता बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी जिला कलेक्टर को जारी किया नोटिस किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश भूमि म्यूटेशन के आदेश भी वापस लेने को कहा। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना बोले कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां उसने लूट महंगाई और बर्बादी मचाई। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का पलटवार बोले इंसाफ इंसाफ है तो सेफ है मोदी महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ का आतंकी ढेर पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिला था विशेष इनपुट पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ दो आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद इलाके में बढ़ाए गए सुरक्षा जगह जगह बैरिकेडिंग कर की जा रही है चेकिंग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल इलाके में बड़ा विरोध राष्ट्रीय सेवा संघ ने निकाली आक्रोश रैली सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। तहसील प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू की जिले के कई थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाए गए। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक्शन बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई एम्स के इलाके में स्मॉग की परत दिखी लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण 357 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बढ़ा प्रदूषण पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई 394 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव आनंद विहार इलाके में भी किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली के हर घर में व्यक्ति बीमार। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण पूरे इलाके में छाई धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण आसमान में छाई धुंध विजिबिलिटी हुई कम। मायानगरी मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास आसमान में छाई धुंध विजिबिलिटी हुई कम। पश्चिम बंगाल के मैदनीपुर में आजकर हत्या रेप मामले में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान कहा जब तक ममता बनर्जी सीएम रहेंगी न्याय नहीं होगा मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा खराब खड़े ट्रक में टकराई तेज रफ्तार कार 3 महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली के रोहिणी में सराफा व्यापारी को काला जठेड़ी गैंग से रंगदारी का धमकी भरा कॉल आया बदमाशों ने आकाश गुप्ता ज्वेलर्स से एक्सटॉर्शन मनी की मांग की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी दंगों में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ा आरोपी के पास से 13 देसी तमंचे दो जिंदा कारतूस भी बरामद प्लास्टर से घर का आधा हिस्सा गिरा मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा नदी पार कर रही दो महिलाएं तेज धार में वहीं 5 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया लापता महिलाओं की तलाश जारी।
पटना में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। चार मास्क लगाए अपराधियों ने दुकान में घुसकर की लूट। लाखों की ज्वेलरी के साथ करीब 50,000 कैश भी लूटे। शाम करीब 7:30 बजे हुई लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीम कर रही है छापेमारी। मेरठ में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। लाठीचार्ज और पथराव में कई लोगों को आई चोट। मेरठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इम्फाल में कुर्की विद्रोहियों ने खेतों में काम कर रहे किसानों पर की फायरिंग। हमले में एक महिला की मौत। बीएसएफ ने सभी किसानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। दिल्ली में ईवी रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाई साइकिल ईवी एज सर्विस कार्यक्रम के दौरान साइकिल चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मंत्री ने इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर भी चलाया। एमपी के इंदौर में 5,000 महिलाओं ने तलवार चलाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रोग्राम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। इंदौर में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज, तलवारबाजी करते नजर आए। विशाखापट्टनम में नमहा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगानू में बंदरों के हमले बढ़े। पिछले 5-6 महीनों में 20-25 मामले आए सामने। जयपुर में रामकथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य का बड़ा बयान। बोले, जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। वाराणसी में मनाई गई देव दीपावली, लोगों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में लिया हिस्सा। देव दीपावली पर वाराणसी में मंदिरों में की गई खूबसूरत लाइटिंग, जमकर की गई आतिशबाजी। गुजरात के वलसाड में स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज सेंट जॉर्ज पार्क में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 4 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। दूसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाने की करेगी कोशिश। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 61 रन से जीत थी मात। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 27 T20 मैच हुए। भारत ने 15 में जीत दर्ज की, 11 में मिली हार। इंडिया ए की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी हार। कंगारू टीम ने 6 विकेट से दी शिकस्त। 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने जीत के लिए 168 रनों का रखा था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में जड़ा अर्धशतक। दूसरी पारी में 68 और पहली पारी में 80 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया अपने अभियान की 22 नवंबर से करेगी शुरुआत। पर्थ में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेलेगी। 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के सामने निकला दिल्ली का दम। 9 विकेट से दिल्ली को दी मात। शिवम भांभरी बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में अर्धशतक, दूसरी पारी में जड़ा शतक। उत्तर प्रदेश की रणजी टीम को केरल के खिलाफ मिली हार। केरल ने एक पारी और 117 रन से यूपी को दी मात। जलज सक्सेना बने जीत के हीरो। दोनों पारियों में झटके 11 विकेट। मुंबई ने ओडिशा को एक पारी और 103 रन से हराया। मुंबई के गेंदबाज शम्स मुलानी ने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 विकेट के हासिल। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने हिमाचल प्रदेश को दी मात। विदर्भ की टीम ने एक पारी में 88 रन से हिमाचल को रौंदा। हर्ष दुबे की फिरकी का चला जादू। दोनों पारियों में झटके 11 विकेट। गौतम गंभीर पर एक्शन लेने के मूड में बीसीसीआई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से गुस्से में बीसीसीआई। 6 घंटे की मीटिंग में कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर थे मौजूद। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से तय होगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। WTC फाइनल में नहीं पहुंची भारतीय टीम तो कोचिंग पद से हो सकती है छुट्टी। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने किया टीम का ऐलान। सीरीज का पहला T20 बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम ने अखिल हुसैन, शिमरॉन हेटमायर, निकोलस पूरन, आंद्रे सेल की हुई वापसी, अलजारी जोसेफ की जगह मैथ्यू फोर्ट को मिली जगह। 5 मैचों की होगी वेस्टइंडीज इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में बांग्लादेश के तंजीम हसन हुए सस्ते में आउट। 17 गेंद पर 22 रन बनाकर तंजीम लौटे। पवेलियन मोहम्मद गजफनर ने किया तंजीम को आउट। पवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नए कोच बने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेंजेलिनसी। 58 साल के जेंजेलिनसी ने 1996 में 98.48 मीटर का थ्रो कर रिकॉर्ड बनाया था। पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्डियर्स खिताब जीता। दोहा में IBSF विश्व बिलियर्डियर्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया।